हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल एलरिन कॉर्नर। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको एक प्रोडक्ट रिव्यू देने जा रही हूँ यूजिंग 6 मंथ, और काफ़ी लेट मैं रिव्यू दे रही हूँ इसके ऊपर। और ये मैं खुद से ही परचेज़ की थी, लॉरियल पेरिस क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। ये बॉटल थोड़ा छोटा सा है, थोड़ा मतलब क्या छोटा सा है, और ये 22 ml का है। और अच्छा है, इसका बॉटल भी बहुत क्यूट सा है, आप लोग देख सक रहे हो। और अब मैं इसके ऊपर बताऊंगी कि काफ़ी लोग बोले हैं, काफ़ी लोग ने कहा है कि इसको लगाते ही बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल और बिल्कुल स्पॉटलेस स्किन हो जाता है, फेयर स्किन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद इसको 6 मंथ से लगाई हूँ। मैं आई थिंक जुलाई, हाँ दिसंबर तक, ये मैं जुलाई से लगाई हूँ, दिसंबर तक ये हो इतना सा ही गया है। ये वाटरी कंसिस्टेंसी पे आता है। इसको लगाने से आपको कोई फील नहीं होगा कि आप कुछ हैवी कुछ लगाई हो, मतलब लगा के रखे हो। और ये स्टिकी भी नहीं होता है, जो चिपचिपापन होता है कुछ भी लगाने के बाद, कोई भी क्रीम या कोई भी फेसियल शेरम या फेसियल ऑयल कुछ भी लगाने के बाद जैसे कुछ चिपचिपापन या हैवी फील होता है, इससे नहीं होगा, बिल्कुल लाइट वेट है। इसका जो माइक्रो एसेंस है ये स्किन के डीपली जाता है, मतलब 10 लेयर के अंदर तक जाता है। ये सच है कि ये स्किन सच में लगाने के बाद स्किन हाइड्रेट रखता है। बहुत बहुत लॉन्ग टाइम तक स्किन हाइड्रेट लगाने के बाद ही बिल्कुल बहुत सॉफ्ट सा फील होगा और स्किन सही में स्मूथ करता है, ताकि इसके स्किन के अंदर जाने के लिए या ड्राई होने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लेता, बिल्कुल जल्दी ही ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। बेसिकली समर सीजन के लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि अभी तो विंटर आ गया है। तो अगर मतलब विंटर पर आप जिनके स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन वाले लगा सकते हो, कोई नहीं प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं आएगा। जिनके ड्राई स्किन है उनको मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा, मतलब ये लगाने के बाद मॉइस्चराइजर का लगाना पड़ेगा। और बिफोर मेकअप आप इसको लगा सकते हो। और एक सच बात कहूँ कि इसके ऊपर, हाँ ये सच में फाइन लाइन्स रिड्यूस करता है, क्योंकि ये मेरे ऊपर भी हुआ है, मेरा थोड़ा फाइन लाइन्स पड़ गया था, तो वो सच में रिड्यूस किया 6 मंथ पे। लेकिन और जो आपके अगर स्किन पे जो अगर स्पॉट्स है तो वो स्पॉट्स क्लियर नहीं होता है, वो मैं अपने से बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पे नहीं हुआ है, क्या पता आप में हो सकता है। हर एक हर किसी के स्किन टाइप्स अलग अलग होता है, पर ये मेरे स्किन पे दाग धब्बा तो नहीं लेके गया है, मतलब दाग जो अगर स्पॉट्स वगैरह है तो ये क्लियर नहीं किया है, बट हाँ ये फाइन लाइन्स वगैरह रिड्यूस किया है। यूज़ के बाद मैं यही बताना चाहती हूँ कि हाँ ये सही है लगाना, अगर मतलब अब लेके लगा सकते हो, क्लियर होगा स्किन, क्लियर मतलब फाइन लाइन्स वगैरह रिड्यूस होगा, स्किन हाइड्रेट रखता है सब। इसके प्राइस में भूल गई, यहाँ पे मेंशन नहीं है। और अभी फाइनली बात आते हैं कि इसको लगाना कैसे है। इसको आप दिन में 2 बार लगा सकते हो, सुबह अगर आप अपने फेस को क्लीन करते हो, क्लीन करने के बाद आप इसको लगा सकते हो, और नाइट पे अगर आप सोने जा रहे हो और नाइट पे आप फेस क्लीन करने के बाद एज ए नाइट सीरम आप इसको लगा सकते हो। तो यही था इसका रिव्यू। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, चलती हूँ मैं, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो लोग आज मेरे चैनल पर नहीं आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।